तो जी आज मैं आप सबको आतंकवादी प्रूव करने वाला हूँ। मुंह मत फाड़ो, देखते जाओ। स्वीडन में एक फार राइट लीडर ने कुरान की कॉपी को जलाया, उसके बाद लंदन, मलेशिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जहाँ पे भी शांति प्रिय समुदाय है वहाँ पर शांति का फसाद हुआ। भारत में एक लड़की ने किताबों से कुछ लाइन पढ़ी, आज उसके जीवन पे बात बनी हुई है। मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? इस कुरान जलाने का बदला केरल में बाइबल जला कर लिया गया, पर वैश्विक मीडिया को लगा अरे 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 ये तो शांति का प्रसार हो रहा है। भारत में जहाँ 80% हिंदू हैं, उसी देश में रामचरितमानस को जलाया गया, फाड़ा गया, वो भी एक बड़ी पार्टी के नेताओं के द्वारा। एक बड़े आईएएस शिक्षक ने रामायण पर भी तंज कस दिया, पर कहीं पर भी एक कंकर नहीं चलाया गया। उत्तर विचार और वाणी से दिया गया, पर वैश्विक मीडिया के अनुसार भारत में हिंदू तालिबान है। अब जाए आप वेस्ट में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कम्युनिटी हो, क्राइम रेट आपका सबसे कम हो, पर वेस्टर्न मीडिया ने कहा है कि आप आतंकवादी हैं, तो हैं? तो जी हो गए ना आप आतंकवादी प्रूफ। चलिए अब बाय।